नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं गोरखपुर से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसी के साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया है। गौरतलब है कि पूरे जुलाई महीने में संचालित होने वाली संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 16 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच लोगों को संबोधित भी किया है और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साफ सफाई से हर बीमारी से बचा जा सकता है। गोरखपुर में बीमारियों से लंबी लड़ाई लड़ी गई है और हमारे जनप्रतिनिधि के साथ गोरखपुर वासियों ने इस लड़ाई में बहुत साथ दिया। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया है कि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को नियंत्रण में रखने के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। आपूर्ति के कार्यक्रम के साथ ही ग्राम्य विकास विभाग और नगर विकास विभाग जुड़े हैं। स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीडियाट्रिक के आईसीयू की स्थापना, हर जिला चिकित्सालय में एक पीडियाट्रिक के आईसीयू की स्थापना, हर बाल रोग विशेषज्ञ को प्रशिक्षण के साथ जोड़ना, जितना नर्सिंग और पैरामेडिक स्टाफ था उन सब के प्रशिक्षण को जोड़ने के साथ ही जब व्यवस्था उसके सर्विलांस को और मजबूत किया गया कि कहीं कोई बुखार होगा, किसी व्यक्ति को किसी गांव में बुखार है, किसी बच्चे को बुखार है, तो बिना इंतजार किए उसको तत्काल इंसेफ्लाइटिस। और अयोध्या जिले में बीकापुर तहसील में कर्मचारी इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से मनमानी कर रहे हैं। इस बीच एक मामला सामने आया जहां पर स्थानीय पुलिस भी दाहिने पर खड़ी नजर आ रही है। ताजा मामला है तारुण थाना क्षेत्र के कुछूटी किशादासपुर का, जहां पर एक होमगार्ड की आबादी में स्थित एक घर को स्थानीय लेखपाल ने पुलिस टीम के साथ मिलकर ध्वस्त कर दिया है। मनमानी का आलम यह रहा कि परिजनों द्वारा विरोध करने के बाद पुलिस ने न केवल बुजुर्गों को धक्का मुक्की की बल्कि गुस्ताखी के लिए महिलाओं से भी अभद्रता की गई। पीड़ित महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि उनके मकान के साथ साथ बाउंड्री वॉल को विपक्षी के साथ मिलकर लेखपाल और कानूनों के साथ आए पुलिस वालों ने जेसीबी से गिरवा दिया है। पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि ऐसा करने से पहले ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी तरह की उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है। फिलहाल प्रशासन की दबंगई के चलते स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। मारपीट के बाहर बाहर से कब्जा करके दीवार हमारे गिराए दे हैं। ये मकान उन गो रहे, रेखपाल रहे और वह दरोगा रहे और वह हरे कृष्णा रहे और विपक्षी मगरू और उनके लड़का दिनेश। ये वो 3:30 बजे चार बजे आए हैं। हम कहें बच्ची ना गिरावा जाए, आप कागज़ समझ ले। हमारे जो हस्बैंड हैं कागज़ लेकर आए तो हमको डंडा लेकर खदेड़ लिए। और कानन गो लेखपाल, उनसे हम पूछे कि हमको ऑर्डर की कॉपी दिखाइए और कॉपी नहीं दिखाई, जबरदस्ती। और 4-5 पुरुष सिपाही, 3 महिला सिपाही सब जेसीबी मशीन लेकर आए और तुरंत दीवार ढकेलना शुरू कर दिए। बोलने पर गाली गलौज दे रहे थे और धमकी दे रहे थे कि इनको जीप में बैठा कर लेके चलो। और कौन कौन थे राजस्व से? नेपाल और कानन गो थे। नेपाल उदयराज तिवारी। अब और इस बीच मिर्जापुर में आज भगवान जगन्नाथ स्वामी की जगह जगह पर रैली निकाली गई। बता दें आपको कि जगह जगह सजावट की गई है और रथ यात्रा को भी बड़े प्यार से सजाया गया। भक्त बड़े ही उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जगह जगह पर रथ यात्रा के स्वागत के लिए तोरण गेट फूल मालाओं के साथ साथ सजाए जा रहे हैं। इस बीच भक्त महाप्रसाद आरती और भक्तों के लिए शरबत ठंडाई और प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। भक्तों में रथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये रथ यात्रा प्राचीन समय से मिर्जापुर में मनाई जाती रही है। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ खींचने के लिए लोग पहुंचते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। ये प्रचलन उड़ीसा की पुरी से प्रारंभ होता है और समस्त भारत में सनातन धर्म मनाने वाले लोग भगवान का रथ खींचकर पुण्य में भागीदार बनते हैं। जगन्नाथ भगवान का जो कि पुरी में विराजमान है,
उनका जगन्नाथ महोत्सव रथ यात्रा मनाया जाएगा, जो कि रथ यात्रा चौराहा त्रिमानी से निकल करके खयांची की चौराहा होते हुए नगर भ्रमण करती है। तो उसी के उपलक्ष में खयांची के चौराहे पर हमारी समिति द्वारा विशेष आयोजन किया गया है। रथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा और महाआरती का प्रबंध है। तत्पश्चात जो है महाप्रसाद वितरण होगा और अन्य भी आयोजन, झांकी वगैरह और ऑर्केस्ट्रा जागरण का आयोजन किया गया है। और ये हर साल होता है, जो है बजरंग सेवा समिति पिछले 11 सालों से इसका आयोजन कर रही है। इस बार हम लोग 11वां उत्सव मना रहे हैं।